न्यूज है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आपको दे दे। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने, बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़ी। जी हाँ, आपसे बता दे, देश में कोरोना वायरस की वजह से जो हालात पैदा हुए उससे 10वीं और 12वीं के छात्रों पढ़े बहुत ही ज्यादा बाधित हुई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार ने कई सारे अहम बदलाव किए 10वीं और 12वीं के छात्रों के, लेकिन एक ऐसा फैसला लिया है जो सभी छात्रों को चौंका देने वाला फैसला लिया गया है बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। जी हाँ, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस बार 2022 में देने वाले हैं तो आप तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी भी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। कोरोना काल की वजह से देश में स्कूली शिक्षा तो प्रभावित हुई है, इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों पर इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है और इसका नतीजा आप देख पा रहे होंगे 2021 की बोर्ड की परीक्षाओं में आप सभी को देखने को मिला होगा। 2021 की परीक्षा नहीं हो पाई थी और सभी छात्रों को प्रमोट करना पड़ा था, हालांकि उस समय तो उनके लिए खुशखबरी थी, लेकिन आगे जाके उनको पछताना पड़ सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए और बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारे प्रयास कर रही है और सभी छात्रों को राहत देने के लिए कई सारे बड़े फैसले ले रही है और बोर्ड परीक्षा सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर कभी भी आ सकता है और ऐसे में सरकार मान रही है कि हम इस बार जो परीक्षा करेंगे वो बिल्कुल ही सरल तरीके से करेंगे। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया वो सभी छात्रों को चौंका देने वाला फैसला और सभी छात्रों की नींद से उड़ जाने वाली है। जी हाँ, आपसे बता दें, ये फैसला है कि इस बार आपकी दो टर्म एग्जाम होंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से सीबीएसई में दो टर्म के एग्जाम हुए उसी प्रकार से अब आपके दो टर्म के एग्जाम और होने वाले हैं, ये सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। 15 दिन पहले जो आपकी मेन परीक्षा होगी उससे 15 दिन पहले टर्म वन होगा, उसके बाद में टर्म टू, यानी दो एग्जाम इस बार होने वाले हैं, ये सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। इस पर आप फिलहाल क्या रहे कमेंट सेक्शन में जुड़े।